नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, बिहार में कल बीजेपी का बिहार विधानसभा मार्च था और इसी मार्च के दौरान जो है पटना पुलिस के द्वारा हुए लाठीचार्ज में जहानाबाद के भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत हो गई और उसके बाद जो है विजय सिंह का पार्थिव शरीर जो है इस वक्त फतुहा के शमसपुर घाट में पंचतत्व में विलीन होने के लिए पहुँचा हुआ है। इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फतुहा के शमसपुर घाट से, जहाँ पर बीजेपी के कई कद्दावर नेता, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ यहां समसपुर घाट पर पहुंचे हुए हैं और विजय सिंह जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए इस वक्त फतुहा के समसपुर घाट पर मौजूद है। हम आपको बता दें कि कल बिहार विधानसभा मार्च के दौरान जो है डाकबंगला पर लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के दौरान जो है विजय सिंह जो कि भाजपा के कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो है उनका पार्थिव शरीर इस वक्त फतुहा के समसपुर घाट पर पहुंचा हुआ, जहां पर वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन ठीक उसके पहले फतुहा से सीधी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर सुशासन की सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार सुशासन की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी देखा जा रहा है। हालांकि यह तस्वीर सीधे पटना के समसपुर घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम जो कई कद्दावर नेता जो हैं, सम्राट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय सिंह और नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार सहित कई नेता जो हैं इस घाट पर इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे भी इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। पूरा चांद रहेगा, हो जाएगी भाई।